ग्रीटिंग्स एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश एकेडमी। और आज का जो ये वीडियो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं अ पोम टाइटल्ड फादर टू सन रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स एंड दिस पोम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आर हॉर्नबिल बुक विच इज़ अ बुक इन क्लास 11th इंग्लिश सिलेबस। सो बिफोर वी बिगिन द पोम लेट अस गो थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोम। So, Father to Son by Elizabeth Jennings deals with the idea of growing distance between a father and a son. Father और son के बीच में जो एक distance है, जो बढ़ता जा रहा है, ये poem basically उसी को signify कर रही है। In a way, we can say that this poem is about the problems coming between the relationship because of generation gap. The poet says that he does not understand his child. This is the concern of the फादर mentioned in the poem that he is not able to understand his child। उसका बेटा क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, फादर को बिल्कुल भी नहीं समझ आता। इवन दो दे हैव लिव्ड टुगेदर इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, कई सालों तक साथ रहे हैं वो, फिर भी वो नहीं समझ पा रहे एक दूसरे को। देर इज नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द फादर एंड द सन, दे हैव नथिंग इन कॉमन। उनकी चॉइसेस, उनका रहन सहन का तरीका सब कुछ डिफरेंट हो गया है। The father wishes to resolve all the issues and forgive him. Father is ready to resolve all the issues. जो भी उनके बीच में problems हैं, father चाहते हैं कि वो सब खत्म हो जाएं और वो अपने बेटे को माफ करना चाहते हैं। He states that he cannot understand himself. Even father is not able to understand himself also. He does not understand why anger grows from grief. It happens, हम सभी के साथ होता है, जब हम बहुत ज़्यादा sad हो जाते हैं तो हमें क्या होता है, गुस्सा आने लगता है। ओके, तो यहाँ पे वही है, फादर अपने बेटे को समझ नहीं पा रहे हैं तो उन्हें क्या होता है, बहुत ही दुख होता है। और उनका यही जो ग्रीफ है वो किस में चेंज हो जाता है, एंगर में चेंज हो जाता है। बट दे बोथ लॉन्ग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, दोनों ही चाहते हैं, फादर एंड सन दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे को माफ करना। जेनिंग्स थ्रू दिस पोम हाईलाइट्स द कॉन्फ्लिक्ट्स कॉज्ड बाय जेनरेशन गैप। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जेनरेशन गैप का इश्यू इस पोम में हाईलाइट किया गया है एंड हाउ नेसेसरी इट इज टू रिजॉल्व देम। और पोएट ये भी बताती हैं यहाँ पे कि ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हम अपने रिलेशंस में आने वाले इश्यूज को रिजॉल्व करें। सो हियर वी आर विद द फर्स्ट स्टैंजा, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। फादर का यहाँ पे कंसर्न क्या है कि वो अपने बेटे को समझ नहीं पा रहे हैं। दो वी हैव लिव टूगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, जबकि हम एक ही घर में एक ही छत के नीचे कई सालों से साथ रहते आए हैं, बट अब कंसर्न क्या है, प्रॉब्लम क्या हो गई है कि वो दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, अब ऐसा मुझे लगता है कि मैं अपने बेटे को बिल्कुल भी नहीं पहचानता हूँ आजकल, तो मैं क्या चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिल्ड अप माई रिलेशनशिप विद माई सन। मैं अपने बेटे से वही रिश्ता वापस बनाना चाहता हूँ जो कि तब हुआ करता था जब वो छोटा बच्चा था, जब बिना कहे मैं हर बात उसकी समझ जाया करता था। येट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। ऐसा पता नहीं क्या हो गया कि जो मेरा खून है, जिसे मैंने पाला, जिसकी हर बात मैं बिना कहे समझ जाया करता था, अब ऐसा क्या हो गया है कि उसका जो लैंड है, मींस उसने जो अपनी लाइफ में एक अपना प्लेन बना रखा है, मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाता हूं, मैं समझ ही नहीं पाता हूं, ये मेरा है ही नहीं। एक तरह से फादर यहाँ ये भी कहना चाहते हैं कि मेरा बेटा है, ये मेरा खून था, तो ये मेरे अकॉर्डिंग बड़ा होना चाहिए था, मेरे अकॉर्डिंग इसे अपने लाइफ के डिसीजंस लेने चाहिए थे, बट ये क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है ऐसा, ये अपने हिसाब से अपनी लाइफ शेप कर रहा है, नन ऑफ माइन, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन देयर। हम दोनों स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस, दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, येट वॉट ही लव्स आई कैनॉट शेयर। ये जो मेरा बच्चा है, ये मेरे डिजाइन के हिसाब से होना चाहिए था, मतलब जैसा मैंने इसकी लाइफ के लिए प्लान किया था, ये उस तरीके का होना चाहिए था, ये वैसा नहीं है। वॉट ही लव्स आई कैनॉट शेयर, ये जो पसंद करता है, जो भी डिसीजंस लेता है, आई कैनॉट शेयर, वो मुझे क्यों पसंद नहीं आता है। फादर इस बात से वरीड हैं कि वो जो भी डिसीजंस लेता है, मेरा बेटा जो जैसी अपनी लाइफ बना रहा है, वो मुझे पसंद क्यों नहीं आ रहा है।
Silence surrounds us. I would have him prodigal returning to his son's house. हम दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन गैप आ गया है. I would have him prodigal. Prodigal means spending money or using resources freely or recklessly. तो यहाँ पे resources क्या है? Father का घर. I would have him prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. फादर बेसिकली यहाँ पे चाहते क्या हैं कि उनका जो बेटा है वो उनके साथ एक ही छत के नीचे उन्हीं के घर में रहे, वो मूव आउट ना करे, अपनी एक अलग दुनिया ना बसाए. आई वुड फॉरगिव हिम टू, अगर ऐसा कुछ है कि मेरे बेटे से कोई गलती होती है तो मैं उसे माफ करने को तैयार हूँ. शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव, जो मेरा सोरो है मैं इसे नए लव का फॉर्म देने को तैयार हूँ. मैं अपना रिश्ता फिर से अपने बेटे के साथ सुधारने के लिए तैयार हूँ. फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड. हम दोनों पिता और पुत्र हैं तो हमें सेम ग्लोब यानी सेम घर में रहना चाहिए. सेम लैंड मीन्स हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैच करनी चाहिए. बट ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो कुछ कहता है मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाता हूँ. इवन मैं ये भी नहीं समझ पाता हूँ कि माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीव. मैं ये भी नहीं समझ पाता हूँ कि मेरा जो ग्रीफ है वो एंगर में क्यों चेंज हो जाता है. अब ग्रीफ तो फादर का ये है कि वो अपने बेटे को समझ नहीं पाते हैं, वही जो ग्रीफ है वो बार बार एंगर में चेंज हो जाता है. ये जनरली होता है हर पेरेंट के साथ, फादर्स के साथ स्पेसिफिकली. वो अपने बच्चों को समझ नहीं पाते हैं जब, तो वो एक्चुअल में दुखी हो रहे होते हैं बट वो दुख नहीं दिखाते, वो क्या दिखाते हैं? एंगर शो करते हैं. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. Longing means desiring something. ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा नहीं चाहता कि हमारा रिलेशन सुधरे, वो भी चाहता है. हम दोनों एक दूसरे की तरफ बस empty hand stretch करते रहते हैं. हम दोनों एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार हैं but problem क्या है? हम बस empty hand stretch करते हैं. हमारे दोनों में से, हम दोनों में से कोई भी जो है first move नहीं ले रहा है, इसीलिए ये रिलेशन जैसा हो गया है वहीं का वहीं पड़ा हुआ है. नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट द पोएटिक डिवाइस इज यूज इन दिस पोम. द फर्स्ट वन इज मेटाफर. मेटाफर इज कंपेरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स. यहाँ पे एग्जाम्पल है, येट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन. यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं ये मेटाफोरिकली यूज हुए हैं. कैसे? The words seed sown and land are metaphors for the father's efforts that he made to build loving relationship with his son and the son's heart respectively. Father ने जो effort शुरू किया है अपना relationship सुधारने के लिए अपने बेटे के साथ, वो और बेटे का heart, ये दोनों यहाँ पे क्या है? Metaphorically ये words use हुए हैं इन चीज़ों को signify करने के लिए, बताने के लिए. नेक्स्ट वी हैव एलिटरेशन. एलिटरेशन इज रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, ओके, द इनिशियल प्लेसेस ऑफ नियर बाय वर्ड्स. लाइक अभी यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखें, द सीड आई स्पेंट और सोन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एस 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 एंड साइलेंस सराउंड्स, ये सभी क्या है? हम देख रहे हैं कि एस 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 रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे एलिटरेशन है. नंबर थ्री वी हैव सिमिली. सिमिली इज कंपेरिजन बट यूजिंग वर्ड्स लाइक एंड एज. तो कौन सा सेंटेंस है यहाँ पे? वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स. यहाँ पे फादर और सन को स्ट्रेंजर्स से कंपेयर किया गया है. इस फॉर्म की जो राइमिंग स्कीम है वो कुछ ज्यादा ही रेगुलर नहीं है, मीन्स एग्जैक्टली रेगुलर नहीं है. क्या है वो? ए बी बी ए बी ए सी डी डी सी डी सी ई एफ जी ई एफ एच I, J, J, H, J, I. तो हम पाते हैं कि ये रेगुलर नहीं है राइमिंग स्कीम, आपको पता होगा. सेंटेंस के एंड में जो वर्ड होता है, लाइक ये फर्स्ट सेंटेंस के एंड में जो वर्ड हुआ उसे हम A बोल देते हैं. उसके बाद वाला जो सेंटेंस है उसका एंड वर्ड अगर फर्स्ट सेंटेंस के एंड वर्ड के साथ राइम करता है तो वो A होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाता है? B. सिमिलरली हम बाकी के सेंटेंसेस की राइमिंग स्कीम निकालते हैं. Now we are going to recapitulate this poem quickly. The poem is an emotional cry of a father because of the generation gap, जो कि इस poem का सबसे बड़ा theme है, which has developed between him and his son. It is an autobiographical account, a personal experience, but it has a universal appeal. Maybe poet personal life में उससे go through कर चुके हैं इस generation gap के issue से,
बट इसका क्या है, एक यूनिवर्सल अपील है बिकॉज हर फैमिली में ऐसा होता ही है. इट डील्स विद एन एज ओल्ड प्रॉब्लम फेस्ड बाय मेनी फादर्स. मोस्ट ऑफ द फादर्स गो थ्रू दिस प्रॉब्लम, जेनरेशन गैप का जो इश्यू है अपने बच्चों को, बढ़ते बच्चों को ना समझ पाने का. द फादर इज अनहैप्पी दैट ही फेल्स टू अंडरस्टैंड द सन हु ग्रिव अप इन हिज हाउस, हु लिव्ड विद हिम सिंस बर्थ. पैदा होने के बाद से ही वो उनके साथ रहता आया है बेटा, बट अब सिचुएशन ये हो गई है कि फादर बहुत ही अनहैप्पी हैं क्योंकि वो अपने बेटे को समझ नहीं पा रहे हैं. हिज ओन सन इज अ स्ट्रेंजर टू हिम, अ साइलेंस एग्जिस्ट बिटवीन देम. उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत बढ़ गया है. ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ फ्रेश, हु फादर हियर वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ फ्रेश एंड वॉन्ट्स द सन ही न्यू टू कम बैक टू हिम. वो चाहते हैं कि जो उनका सन जिसे वो जाना करते थे, यानी जब बचपन में अपने बेटे को पूरी तरीके से पहचाना करते थे, उसी सन को वो चाहते हैं कि वापस आ जाए. द फादर हैड ट्राइड टू मेक हिज सन लाइक हिम बट फेल्ड. फादर ने कोशिश की अपने बेटे को अपने डिजाइन के हिसाब से फ्रेम करने की, बट क्या हुआ है, वो फेल हो गए हैं. दे डू नॉट शेयर द सेम लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन देम. फादर की वरी क्या है कि उनके और उनके सन के बीच में कोई भी सिमिलर लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं है और उन दोनों में बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन गैप आ चुका है. द फादर वॉन्ट्स हिज सन टू रिटर्न टू हिम लाइक द प्रोडिगल सन. ही डज नॉट वॉन्ट हिज सन टू मूव अवे फ्रॉम हिम. वो चाहते हैं कि उनका बेटा उन्हीं के साथ रहे, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसे एंजॉय करे, उनके साथ अपना जीवन बिताए और कहीं और जाके सेटल ना हो जाए, उनसे दूर ना जाए. He would forgive him and forge a new understanding and love. Father also says कि अगर ऐसा होता है, अगर कुछ ऐसा है जो मेरे बेटे से गलत हो गया है, तो मैं उसे माफ करने के लिए भी तैयार हूँ और मैं एक नई understanding develop करने के लिए तैयार हूँ हम दोनों के बीच में, new understanding and love. But it is all in vain. But ये सब जो father सोच रहे हैं, ये सब क्या है, in vain means useless, because ऐसा नहीं हो पा रहा है. His pain turns into anger. Father का जो ये pain है, जो तकलीफ है उनकी, वो एक anger में change हो जाती है क्योंकि उनके मन का काम नहीं हो पा रहा है. Both of them want to come closer and improve their relationship by forgiving each other. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि son नहीं चाहता कि relation सुधरे, वो भी चाहता है. वो दोनों ही अपने तरफ से एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए तैयार हैं, चाहते हैं दोनों. लेकिन क्या हो रहा है, कोई भी फर्स्ट मूव नहीं ले रहा है. दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग.